GST. Apart from this, we will discuss about the advantages and disadvantages of GST also. So, what is the importance and benefits of GST? वैसे आप ऑलमोस्ट सब पढ़ चुके हैं जीएसटी क्या है सब चीजें बता चुके हैं फिर भी ये हमारा सिलेबस का पार्ट है सो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इज कंसिडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द रिफॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन इन इंडिया एंड एग्रीमेटिंग सेंट्रल सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स व्हिच हैज मिटिगेटेड द डबल टैक्सेशन लीडिंग टू अ कॉमन नेशनल मार्केट फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू द एडवांटेजेस terms of a reduction in the overall tax burden of goods, which was estimated at 25 to 30%. सबसे पहले तो जो important चीज है कि GST जो है एक बहुत ही important step है ये जो है कि government ने लिया है and it is a kind of indirect tax है it is a one nation one tax हमारे country में GST जो है वो dual tax system को follow करता है that is CGST and SGST तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है सभी ने इसको ओके करा है और ये सिंगल लेवल टैक्स है जिसके अंदर कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू भी देयर आर वेरी मच एडवांटेजेस एंड अदर थिंग्स आर देयर सो द अदर इंपॉर्टेंट इंक्लूड इन दिस आर रिडक्शन इन प्राइसेस सो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जीएसटी की वजह से है सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन इन प्राइसेस मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स वुड नॉट हैव टू इंक्लूड टैक्सेस एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच वुड लीड टू रिडक्शन इन प्राइसेस जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं ट्रेडर्स हैं उन्हें अपने उन्हें वुड नॉट हैव टू इंक्लूड इंक्लूड नहीं करना टैक्सेस एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट में इंक्लूड नहीं करना विच वुड लीड टू रिडक्शन इन प्राइसेस द लोअर कंप्लायंस एंड प्रोसीजर कॉस्ट देयर वुड बी reduction in the load of maintaining compliance, also keeping record of CGST, SGST and IGST separately would not be required. और साथ ही साथ ये भी बेनिफिट है कि उन्हें अलग अलग CGST, SGST और IGST के रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने CGST is central goods and services tax, SGST is state goods and services tax, IGST is integrated goods and services tax. Move towards the unified GST. पहला पॉइंट है रिडक्शन इन प्राइसेस दूसरा है मूव टुवर्ड्स द यूनिफाइड जीएसटी ऑल्दो इंडिया इज अडॉप्टिंग ड्यूअल जीएसटी अभी मैंने बताया इंडिया में ड्यूअल जीएसटी सिस्टम है इट इज स्टिल अ गुड मूव टुवर्ड्स द यूनिफाइड जीएसटी विच इज रिगार्डेड एज द बेस्ट मेथड ऑफ इनडायरेक्ट और ये आज के टाइम में एक यूनिफाइड जीएसटी सिस्टम है जो कि बेस्ट मेथड है इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने का जीएसटी रोल आउट कैन हेल्प बूस्ट इंडियाज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ बाय 100 to 200 BPS और 1 to 2% एज दिस विल हेल्प फास्टर एंड चीपर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री विद अ यूनिफॉर्म टैक्सेशन सिस्टम इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो है विल गुड गिव अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स अबाउट इंडिया अबिलिटी टू सपोर्ट बिजनेस जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी एक पॉजिटिव वाइब जाती है जिससे उन्हें भी पता चलता है कि इंडिया की अबिलिटी क्या है फॉर द सपोर्ट ऑफ बिजनेस देन द नेक्स्ट पॉइंट इज जीएसटी विल बी बेनिफिशियल विद मोर ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंट कंप्लायंस रन बैक इन जीडीपी ग्रोथ टू द सेंटर जीएसटी और बेनिफिशियल पॉइंट ये रखते हैं जैसे मोर ट्रांसपेरेंसी है एफिशिएंट कंप्लायंस है रैंप अप इन जीडीपी ग्रोथ टू द सेंटर है स्टेट सेंट्रल स्टेट्स है इंडस्ट्रियलिस्ट मैन्युफैक्चरर्स द कॉमन मैन एंड द कंट्री एट लार्ज ये सारी चीजें इसे दे रखी है सो इसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी दे आर सम पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन दिस नोट्स दैट इज जीएसटी एलिमिनेट्स द कस्टमरी फैक्टर ऑफ टैक्स जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स को एलिमिनेट करता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स डबल टैक्सेशन सिस्टम उसको अवॉइड करता है सो दिस इज द बेनिफिट देन हायर थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन देन कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस देन सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है जीएसटी टैक्स पे करना है तो इट इज अ सिंपल एंड ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर है ईजीली आप उस पर कर सकते हैं द नंबर ऑफ कंप्लायंसेज जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो कम है लेसन है डिफाइंड ट्रीटमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी इसमें रेवेन्यू है इसमें कुछ मेरे पॉइंट्स मेंशन है
of logistics efficiency improved करने के लिए जीएसटी है तो unorganized sector is regulated under जीएसटी organized and unorganized kinds of sectors are there unorganized sector भी जीएसटी के अंदर regulate किया जाता है these are the advantages then there are some disadvantages increase cost of software purchase जीएसटी software की वजह से cost increase हो सकती है जीएसटी compliance हो सकता है जीएसटी में lean and increase in operational cost increase हो सकती है जीएसटी के लिए impact in the middle of the financial year भी से भी और problems create हुई थी then क्योंकि financial year के middle में create हुआ था जीएसटी is an online taxation system और कभी कभी online work करने की दिक्कत आती है बहुत से लोग को इजीली कर पाते हैं कुछ लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं होता है एजुकेट नहीं होते और नॉलेज नहीं होती वो इसको प्रॉपरली नहीं कर पाते Then SMEs, small medium enterprises, will have a higher tax burden or SMEs will be GST higher tax burden ka disadvantage rehta hai. So these are some of the disadvantages. Then some of the hits of GST or kuch hits of GST ka matlab positive points of GST de rakhe hain. Jaise number one, GST council pays principal diplomacy and at the statesmanship shown by members is shown here GST council जो है वो भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है GST council के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं तो इसलिए देखिए कि एफिक्स बेनिफिट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ GST लॉ अब यहाँ पर GST लॉ स्ट्रक्चर को भी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है न्यू GST सिस्टम रन अंडर अ कैनोपी ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल support and we can expect more GST services to be digitalized in months to come. आप जो new GST system है इसके अंदर रन कर रहा है तो इसके अंदर strong technological support और साथ ही साथ expect किया जा रहा है कि जितनी भी GST services है वो digitalized हो जाए Then GST क्या है GST अबून की micro small and medium enterprise GST की वजह से बहुत बूम आया है MSME MSME की फुल फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs are now less dependent on tax experts when compared to the earlier age due to simplified data and filing system पहले MSMEs अलग से पर्सन को रखते थे रिटर्न फाइल करने के लिए बट अब ऑनलाइन प्रोसीजर इतना सिंपल है जीएसटी का कि वो अपने आप से भी इजीली प्लेस कर सकते हैं अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं Rationalization of the composition scheme and introduction of quarterly billing option of taxpayers having turnover below rupees 1.5 crore was abolished this year. और हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था 1.5 करोड़ तक जो है हम उसको क्वार्टरली पे कर सकते हैं और उससे ऊपर एनुअल इनकम है तो हमें रेगुलरली करना है क्यों मिसेज ऑफ जीएसटी कुछ और भी कुछ मिसेज हैं जीएसटी की जैसे डिलेड आईजीएसटी रिटर्न एज द एक्सपोर्टर्स एंड वॉल्स आर स्लो डाउन ये कुछ उसके डिसएडवांटेजेस या कौन से में माने जाते हैं कि डिलेड आईजीएसटी डिले होने से रिफंड एज थिक एक्सपोर्टर्स एंड वॉल्स आर स्लो डाउन और जो एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय डिपार्टमेंट टुवर्ड्स टाइमली सेंक्शनिंग ऑफ रिफंड या ओवर अ फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट अ स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट सेक्टर इन इंडिया दूसरा सेंटिमेंट अराउंड ट्रेनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी बोला जाता है लेकिन वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन ऑफ आईटीसी इज करेंटली बी अलाउड ऑन प्रोविजनल बेसिस टू द लेसिकेज ऑफ द क्रेडिट अथॉरिटीज आर इन प्रोसेस ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन डिफरेंट जीएसटी रिटर्न्स एंड हैंस मेनी टैक्स पेयर्स आर रिसीविंग मिसमैच नोटिसेस फॉर आईटीसी क्लेम्ड एज पर जीएसटीआर पीबीआरएस अलाउड एज पर तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है हिट्स मिसेस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी अब हम पढ़ रहे हैं रेट स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी वो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं जो भी जीएसटी है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया है या वे दैट एसेंशियल सर्विसेज एंड फूड आइटम्स आर पेड इन द लोअर टैक्स ब्रैकेट एसेंशियल सर्विसेज जरूरी चीजें फूड आइटम्स को लोअर टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है जैसे और वाइल का लग्जरी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर मेंट टू दैट हायर टैक्स तो जीएसटी काउंसिल हैज सेटेड ओवर 1300 गुड्स एंड 500 सर्विसेज अंडर फोर टैक्स तो जीएसटी काउंसिल ने क्या किया इसके लिए 1300 गुड्स और 500 सर्विसेज को फोर टैक्स स्लैब्स में जीएसटी के बांट दिया वो जीएसटी के फोर टैक्स स्लैब्स क्या है ऑलरेडी मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ये चीज
वो फोर टैक्स लगता है 5%, 12%, 8% एंड 28% अंडर जीएसटी. जीएसटी के फोर टैक्स लगता है 5%, 12%, 18% एंड 28%. दिस इज असाइड द टैक्स ऑन गोल्ड दैट इज 3% एंड रफ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स दैट आर वेरी वेरी स्पेशल. इसके अलावा गोल्ड पर 3% जीएसटी है और इसके अलावा अगर रफ प्रेशियस स्टोन्स है या सेमी प्रेशियस स्टोन्स है उनके ऊपर स्पेशल रेट लगता है जीएसटी का, दैट इज 0.25%. A total of 81% of all the goods and services fall below are in 18% tax. 81% goods and services जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, 18% tax में आते हैं. This means 7% of items come under exemption rates, 14% of items attract a 5% tax, 17% of items attract a 12% tax, और 43% of items attract a 18% tax. Why only 19% of items fall under? Only 19% of items ऐसे हैं जो highest slab के 28% slab के अंदर आते हैं. उसके अलावा 43% items ऐसे हैं जो 18% tax slabs के अंदर आती हैं. 17% ऐसी items हैं जो 12% tax slab में आती हैं. और 14% ऐसी items हैं जो 5% tax slab में आती हैं. उसके अलावा 7% तो ऐसे items हैं जो exempted हैं जो किसी भी tax slab में नहीं आते. तो ये सारी चीजें हमारे जो टोटल फोर टैक्स स्लैब है, दैट इज 5%, 12%, 18% एंड 28% के बारे में दे रखा है. अब इन्हीं को आगे दे रखा है एग्जेम्प्टेड जीएसटी रेट स्लैब क्या है, जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता वो कितने परसेंट कैटेगरी है, उसमें 7% ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. अब क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, ये सारी चीजें मेंशन है जिनके ऊपर टैक्स बिल्कुल नहीं देना, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, मिल्क है, बटर है, मिल्क बटर बटर मिल्क है, कार्ड है, नेचुरल हनी है, स्टोर बेसन ब्रेड, ऑल काइंड ऑफ सॉल्ट, जैगरी, हल्सी एंड्रेस, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, एग्स अलॉन्ग विद बिंदी बिंदी सिंदूर, काजल, बैगल्स, वाइन, कलिंग बुक्स, स्टैम्प्स, टिश्यू पेपर, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज पेपर, जूट एंड हैंडलूम्स, होटल्स एंड लॉजेस विद कैरी बैटरी मेमोरी थाउजेंड एंड सो ऑन. ये सारे के सारे आपके एग्जेम्प्टेड जीएसटी, दैट इज 7% जो एग्जेम्प्टेड है उसमें आता है. इसके बाद हमारी पहली कैटेगरी आती है 5% जीएसटी का, इसके अंदर टोटल 40% गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, जैसे एप्रल्स है, अपेरल्स है, अगर अगर वो इंडियन रुपीज 1000 से कम है तो इसके अंदर आएंगे. फुटवेयर है, अगर इंडियन रुपीज 500 से कम तो इसमें आएंगे. इसके अलावा क्या आएगा, पैकेज फूड आइटम्स, क्रीम, स्किन स्किन मिल्क पाउडर, ब्रांड पनीर, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कॉफी, टी, स्पाइसेस, पिज्जा ब्रेड, रस, साबुदाना, कैशनट इन शेल, ग्रेवी, नाइस, फिश फिलेट, कैरोसिन, कोल, मेडिसिन, अगरबत्ती, पोस्टेड और लर्निंग स्टेंस, फर्टिलाइजर, रेल एंड इकॉनमी क्लास, इलेक्ट्रिक, स्मॉल रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीजें 5% जीएसटी रेट्स पर आएंगे. इसके बाद आता है 12% जीएसटी रेट्स का. 12% जीएसटी रेट्स का के अंदर टोटल 17% का गोल्डन सर्विसेज आते हैं, जैसे कि जूसेज हो गए, फ्रूट्स हो गए, पैकिंग, बटर हो गया, चीज हो गया, मीट प्रोडक्ट्स, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल फैट, सॉसेज, फ्रूट जूसेज, नमकीन, कैचअप सॉसेज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, डायग्नोस्टिक किट्स, सेल फोन, स्पून, फोक, फूड पाउडर, अम्ब्रेला, स्वीन मशीन, स्पेक्टिकल्स, इंडोर गेम्स एक्सेट्रा, लूडो, कैरम बोर्ड, इस तरीके की सारी चीजें आपकी किसी आएंगी, 12% जीएसटी रेट्स आएंगे. इसके बाद आता है थर्ड कैटेगरी 18% जीएसटी रेट्स का. 18% जीएसटी रेट्स का के अंदर टोटल 43% गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसमें क्या क्या है, पास्ता, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्री, केक, प्रिजर्व वेजिटेबल, जैम, सूप, आइसक्रीम, मेयोनीज, मिक्स कंडीमेंट्स, सीजनिंग, मिनरल वाटर, फुटवेयर, स्पीकर, कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, ऑप्टिकल फाइबर, टिश्यूज, नोटबुक्स, स्किन प्रोडक्ट्स, हेडवेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें 18% जीएसटी में आती है. उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है 28% जीएसटी रेट्स का. इसके अंदर टोटल 19% गुड्स एंड सर्विसेज आता क्या क्या है, जैसे एडिबल आइटम्स आती है, जैसे च्यूइंगम, बेबी, मोलासेस, चॉकलेट, जिसके अंदर कोकोआ नहीं है, वेफर्स, वेफर्स, कोटेड मिल्क चॉकलेट, पान मसाला, एग, बटर, पर्सनल केयर आइटम्स लाइक जो शेविंग क्रीम्स, आफ्टर शेव, हेयर शैम्पू,
डाई सनस्क्रीन मोटरसाइकिल साइकिल होटल्स इस तरह की चीजें इसके अलावा सम अदर आइटम्स दैट विल गेट कॉस्टलियर आल्सो कुछ और आइटम्स भी हैं जो बहुत कॉस्टली है वो भी इसमें इंक्लूडेड है जैसे कोरियर सर्विस मोबाइल फोन टैरिफ मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन फीस सैलॉन विजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बैंकिंग चार्जेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज विल गेट कॉस्टलियर 8% और एक्स्ट्रा कॉस्टलियर पड़ते हैं दीज वर अर्लियर चार्ज एट 3% सर्विस टैक्स नाउ फॉल अंडर पहले 15% सर्विस टैक्स पे दीजिएगा तो फिर 3% बन गया है तो ये सारे भी 18% टैक्स लग के आते हैं टैक्सेज ऑन अवेलेबल ड्रिंक्स टोबैको लग्जरी गुड्स विल नाउ कम अंडर और इस तरीके के नाउ टोबैको लग्जरी गुड्स रिलेटेड ड्रिंक्स अब सारे के सारे 28% जीएसटी ब्रैकेट में आते हैं रियल एस्टेट से भी एक्सपेंसिव हो गया है पहले ही कर नाउ अप्लाई जीएसटी का रेट 6% पे था रियल एस्टेट अब ये 12% कैटेगरी में आते हैं सो दिस आर ऑल द रेट स्लैब्स ऑफ जीएसटी तो जीएसटी का रेट स्लैब क्या है जीएसटी के बेनिफिट्स क्या है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रेट स्लैब की क्या कैटेगरी है वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स टुडे सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू हैव अ